अच्छा जी, ये वो आप कल आपकी एक स्टेटमेंट थी उसके ऊपर हमें फीडबैक मिला है जी कि वो इट वॉज नॉट राइट, इज दैट करेक्ट कि जवेद भाई का और राशिद का जो इंसिडेंट हुआ था? ये इंसिडेंट बिल्कुल हुआ, ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ है। ये स्टोरी चली थी ग्रेनाडा से। ग्रेनाडा में हमारे लड़के पकड़े गए थे बीच के ऊपर, जिसमें जावेद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और मुदस्सर का। हम बच गए, हमारे लड़के बेल पे आ गए। और उसके बाद जब एंटीगा गए, तो मैं एंटीगा पहुंच गया लंदन से, तो वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला, मैंने खालिद से बात की, महमूद से, कि कोई स्टेटमेंट्स ना दें, ये ना करें, लेकिन कुछ प्लेयरों ने अपनी स्टेटमेंट्स बेच दी। मेरे पास अभी तक पड़ी है 10,000 pounds पे सन न्यूज़पेपर। ऑल राइट, तो मैंने खाले से, मैं कहा दिस इज़ नॉट ऑन, आई हैव कम हेयर टू डिफ्यूज एंड ट्राई एंड प्रोटेक्ट यू नो माय कंट्री। खैर एनीवे वो हो गया। ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा ख़राब था। ऑल्टरकेशंस अंदर काफ़ी थी, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, चपेट इनके बीच में ऑल्टरकेशंस थी काफ़ी प्लेयर्स के अंदर। दो ग्रुप्स बन गए थे, मैं मुदस्सर और वो मेरा। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट टूर ना। मैं टूर पे था और मैं इंजर्ड होके आ गया। आई एम श्योर, क्योंकि मैंने कल सोचते रहा हूँ, क्योंकि मैं आई वाज नॉट कंफर्टेबल, मगर इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की उसमें कि राशिद की, राशिद तो बहुत इज्जत करता था ना जवेद भाई की, वो कैसे थप्पड़ मार सकते हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, क्या था जी वो, कि सीनियर पे, देखो जो सीनियर की इस तरह की बात होती है ना ऑल्टरकेशन पे, मेरे लिहाज से वो थप्पड़ है। हालांकि थप्पड़ डजंट मीन थप्पड़, एग्जैक्टली इट डजंट मीन थप्पड़ एंड ऑल दैट। तो उस लिहाज से बड़ी ख़राब थी सिचुएशन। इनफैक्ट जावेद का इंटरव्यू मैंने एंटीगा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर किया, बाहर बाहर बैठ के किया, बाकियों का मैं अंदर कर रहा था, उसका बाहर बैठ के किया, वसीम सारों का ये, फिर तो मुदस्सर और मैं और ये एरिक, आप जानते हैं एरिक को, एरिक दबा रहा था, आपको पता नहीं ये, मैंने कहा मुझे सब पता, तू चुप रहा। तो वो कर करा के वो खत्म हो गई। मतलब ही बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली टुवर्ड्स जावेद मियां, दैट इज थप्पड़ जिसको हम वो सवेरा, द पॉइंट इज टीम्स इनडिसिप्लिन, दैट्स ऑल। वेदर जावेद इज राइट और राशिद इज राइट, इट डजंट मैटर, द क्वेश्चन इज नो मैटर हु इज रॉन्ग। हमें टीम के अंदर ये कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। जब आप पर्टिकुलरली एक टेस्ट मैच खेल रहे हो या वर्ल्ड कप खेल रहे हो, कोई भी हो, यार वी आर ऑल वन टीम, वी आर अ यूनाइटेड टीम, वी हैव वन सिंगल गोल, यस, पाकिस्तान क्रिकेट, यस। बट खैर चलेंगे, इतने पुराने पुराने मसले नहीं, बड़े पता पता, ये अच्छी बात होती है, क्लियर कर देना, क्योंकि वो इनका कई दफा ना ये जिसे फ्रेज होता है, थप्पड़ है, थप्पड़ का बिल्कुल मतलब नहीं कि राशिद, मैं कभी सोच नहीं सकता, इसलिए मैं हैरान हुआ, क्योंकि राशिद भाई तो जावेद भाई की बहुत इज्जत है कराची, एक ही शहर से, सीनियर टीम में बहुत ज्यादा, कभी सोच भी नहीं सकता। अब वो ये जो ये कॉन्सेप्ट ना लोगों को कई दफा, ये क्योंकि ये फ्रेज इंग्लैंड में रहे हुए हैं, तो यू नो व्हेन यू स्टार्ट नॉट रिस्पेक्टिंग, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसको उसके एलिमेंट के अंदर मेरा ख्याल इनका मतलब ये, वो बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट को जिस तरह लिया गया उसको, बट यस लिटरली थप्पड़ नहीं था भाई वो, तो यस क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, इट इज गुड कि क्लैरिटी जरूरी हो। बट आज क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं, तो बड़ी क्लैरिटी हमारी बोलिंग में लग रही है, हमारे बोलिंग चेंजेस में क्लैरिटी लग रही है। ये सारी क्लैरिटीज इतनी डाउन दी लेन आके क्यों हमारी टीम में आती है, ये पहले क्लैरिटीज कहाँ चली जाती हैं? आपसे मैं इसका जवाब जरूर लूंगी लाला, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त बॉलिंग का पहला स्पेल किया गया है और तीन खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। उसामा मीर ने एक अच्छी फील्डिंग की, अब खदशा ये है कि कहीं ये चौका रोकते हुए उनकी उंगली पर जो जख्म आया है, चोट है, वो ज़्यादा ना हो कि इस मैच में वो बॉलिंग करने वापस आ जाएँ, क्योंकि राइट हैंड है, ये खदशा हो सकता है। बहरहाल तीन खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट कर दिए हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की गई। शाहीन आफरीदी ने दो शिकार किए, हारिस रऊफ ने एक शिकार किया। तो इससे पहले आगे बढ़े, स्पार्क्स का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। कल का सवाल आप लोगों को बताते हैं, कल हमने सवाल किया था कि वर्ल्ड कप में अब तक कितनी डबल सेंचुरी स्कोर हो चुकी हैं? क्या ख्याल है कितनी हो सकती है? कितनी डबल सेंचुरीज हो चुकी हैं? दो ही होंगी। हां मुशी भाई, एक पीजे मेरे साहब, एक दो। जो भी चीज में हाथ डालता है वो मिट्टी भी सोना होती है। अगर तुम इतना बता दो कि तुम्हें किस बात का गम है, रिपीट करें, अगर तुम इतना बता दो कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर तुम इतना बता दो तो फिर किस बात का। हाय 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 हाय, क्या बात है ये, गमी इस बात का है ना कि आप बता नहीं रहे।
दिल में रखी हुई है। मुझे लगता है लाला ने ब्लूटूथ डिवाइस लगाई हुई, वहाँ से सिचुएशन के हिसाब से शेर पीछे से आ जाता है। वो मुझे लगता है वो कपिल देव शो नहीं आपने देखा हुआ जिसमें वो सिद्धू पाजी करते हैं और उनका पूरा पूरा प्लान होता है। ला भी किसके साथ? सिद्धू पाजी के साथ वाला जी, सिद्धू पाजी बना दिया और हुलिया पूरा आप वाला है। हम बता देते हैं शाहिद वाह, आज का स्मार्टफोन किसको मिलेगा? अब उसका शाहिद को मिलेगा, ये शाहिद को मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास स्पार्क्स वाले सारे, स्पार्क्स वालों तक पैगाम पहुंच गया, आपका मैसेज पहुंच गया। दो जो विनर है हमारे वो बता दें, एक शाहिद खान आफरीदी है, दूसरे है शहबाज खान हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक है। तो शहबाज खान के लिए तालियां, शहबाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शहबाज कांग्रेचुलेशंस, आपको मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन एंड शाइन विद स्पार्क्स। आज के सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ, ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किया? ये आसान है। अच्छा नहीं, पहले इस मोमेंट इससे पहले का वो कि अमला जो आपने जवाब दिया, दो सेंचुरियां किसने की हैं वो? एक तो गप्टिल की थी, एक तो गप्टिल की थी ना, हाँ ठीक है, और एक क्रिस गेल की थी। है एक क्रिस गेल की थी। अच्छा, क्रिस गेल ने कब की थी? 2015 वर्ल्ड कप में क्रिस गेल ने डबल सेंचुरी की थी। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में 2015 ऑस्ट्रेलिया में। तो एक क्रिस गेल है और एक मार्टिन गप्टिल है। गप्टिल का हाईएस्ट स्कोर है वर्ल्ड कप का। और शायद ये क्यों दो क्यों आई थी? हाँ, दो बात दो क्यों आई कि दो है क्यों फीलिंग क्या आमद यकीन माने हाँ आमद। अच्छा मैं पीर सा बदलू? बदल दो लेकिन मुशी भाई, मैं ऐसे मुरीद लेते ही नहीं हूँ जिन्हें सही हजरत का पता ही ना हो। ये बिल्कुल सही बात है, मुझे मेरे मुरीदों ने बुलाया। चूक करेंगे यूं मेंढक बन जाएगा। अच्छा नहीं 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 अच्छा जी, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में? लीडिंग विकेट टेकर वर्ल्ड कप्स के कौन? मगर अभी नहीं जवाब देना आपने, कल देना, कल जवाब देना है। मैं अपना हाथ उठा रहा हूं कि मैं हूं। अच्छा अच्छा नहीं, आप यहीं पे अब कॉन्वर्सेशन को क्या रोक देते हैं, आप लोगों को हमने बिल्कुल हिंट्स नहीं देनी। सो ओवरऑल पाकिस्तान से ओवरऑल पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किए हैं? जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर नंबर अब आपकी स्क्रीन पर है 0346-650-3661। और इस पूरे सिलसिले में पूरे वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं आपके, एक वर्ल्ड कप की बात कर पूरे वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप इवेंट्स पे, और ये बहुत आसान है। अरे हाँ। नहीं नहीं बस बस करें, कोई वो ना दे, बट हम एक रिव्यू पे इस वक्त टीम पाकिस्तान जो है वो मौजूद है, नॉट आउट लग रही है। बिल्कुल, जो असरात हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि नॉट आउट है, जो कि अंपायर ने भी यही डिसीजन दिया हुआ है। सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, बिकॉज बांग्लादेश इज राइट नाउ 29-3। और मैं आपसे जाते जाते यही सवाल पूछिए, इट्स मिसिंग एंड यस सही जो डिसीजन था अंपायर ने लिया था कि आउट नहीं है। लाला ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे यही पूछी थी कि व्हाई नाउ, Why so late? क्यों हम प्लान्स इतनी लेट, क्या बनाते ही इतनी लेट हैं या एग्जीक्यूट इतनी लेट होते हैं हमारी टीम से प्लान? प्लान पहले भी बनते हैं, बात तो वही है कि एग्जीक्यूट राइट टाइम, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, आपको डिलीवर करना होता है टाइम पे। जब आप कुछ चीज़ों में लेट हो जाते हैं तो देर आए फिर दुरुस्त आए। अब एटलीस्ट चले, हम मेरी और आपकी लास्ट दो दिन से यही बात हो रही है कि ये तीन मैचेस पाकिस्तान जीत के वापस आ जाए। और जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि कुछ भी हो सकता है यार, मिरेकल्स तो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे 92 जैसे में अगर हो सकता है हमें तो आदत है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल 92 की है। अब हम भी, हमें पाकिस्तान टीम से सिर्फ ये तीन मैचेस चाहिए, ये तीन मैच जीते बस खत्म। गुड स्टार्ट मुशी भाई, बेहतरीन स्टार्ट। ये नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही बात है। ये बात सुनिए, पता क्या होता है, जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं ना होता फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज होती। अभी यही चीज हम बार बार कह रहे हैं कि पहले मैच से आपने ये सोचना है कि दिस इज द लास्ट गेम वी आर प्लेइंग इट एंड यू डोंट वरी अबाउट द आउटकम कि सेमीफाइनल में हमने चार टीमों में क्वालिफाई करना है। जब आप अपने गोल्स इतने बड़े रख लेते हो ना तो फिर हर मैच में डर डर के खेलते हो। इसलिए ये जो आज का क्यों इनकी बॉडी लैंग्वेज देखे ना, इंजॉय कैसे कर रहे हैं, बाबर खुद देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं,